हॉलीवुड में आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है. अगेन आई थिंक सलमान खान आप इस गाइस लेट्स स्टिक टू जीना इसी का नाम है क्वेश्चन. दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर मी टू सिट डाउन एंड कमेंट अबाउट अदर थिंग्स. यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म. लेट इट बी द फिल्म प्रमोशन. कभी आप मुझे अकेले में मिलोगे, आपको कुछ और सवाल पूछने मेरे से, हम तब जवाब देंगे. सलीम साहब सलमान ने जो बात बोली है, सलमान ने जो बात बोली है रेप विमेंस के बारे में, जो उन्होंने सुबह सुबह कहा, काफी बवाल हुआ इस चीज को लेकर. आप पर्सनली क्या मानते हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने कहा था, क्योंकि आप भाई हैं, आप जानते हैं कि किसी. ये सवाल मुझसे आज किसी ने पूछा था. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नॉट एवरी क्वेश्चन और नॉट एवरी इंसिडेंट दैट हैपेंस विद सलमान आई एम सपोज टू बी आंसरेबल टू दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. मतलब सलमान शादी कर रहा है नहीं कर रहा है, सलमान की गर्लफ्रेंड कौन है, सलमान क्या बोलता है. सलमान एक 50 साल का आदमी है जो अपने हिसाब से जो बोलता है, मीडिया को बोलता है, अपनी ज़िंदगी जैसे जीता है. मुझसे ये भी पूछा गया कि आपको पता है सलमान का है? मैंने बोला मैंने सलमान पे GPRS नहीं लगा रखा है कि वो कहाँ है, किधर है, किसके साथ बैठा है. अच्छा आपने नहीं देखा क्या हुआ? मैंने बोला नहीं मैंने नहीं देखा. आपने नहीं सुना क्या हुआ? मैंने बोला नहीं मैंने नहीं सुना. तो ऐसा होता है कि आई डोंट नो, आई कुडंट कमेंट टिल आई हर्ड व्हाट ही हैड सेड, जो मैंने शाम को सुना. अब कुछ चीज़ें होती हैं कि हम बातों में बोल देते हैं, उसका हम इंटेंशन देखना चाहिए कि वो इंटेंशन क्या था. मुझे डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि सलमान ने जो कहा उसके अंदर इंटेंशन बुरा नहीं था. इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ, जब अपन किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं या हमको बोलते हैं ना कि मेरे सर के ऊपर पहाड़ जैसा होता है, या कोई मैं गधे की तरह मैंने काम किया, बोला अरे अभी गधा वर्ड यूज़ किया आपने, तो कोई एनिमल एक्टिविस्ट आपके पीछे पड़ जाए. तो कभी कभी आप कुछ चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, आपका मतलब बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको डिसेंसिटाइज करो या आप मतलब आप उसके ऊपर ओवर सेंसिटिव हो जाओ, तो फिर आप किसी भी चीज़ के ऊपर एक विवाद या एक बवाल क्रिएट कर सकते हो. आई एम श्योर सलमान मस्ट हैव रियलाइज कि जो कंपैरिजन जो उन्होंने किया है वॉज नॉट मे बी अप्रोप्रिएट, एंड फॉर दैट इफ ही फील्स द नीड टू अपोलोजाइज ही विल अपोलोजाइज और नॉट अपोलोजाइज. वाई आर यू आस्किंग मी अ क्वेश्चन वेदर ही शुड और नॉट? आई डोंट थिंक इट्स फेयर. मेरा ओपिनियन, मैं बोलूँ हाँ उनको अपोलोजाइज करना चाहिए या मुझे मैं बोलूँ कि नहीं करना चाहिए, आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर. आई थिंक इट इज़ हिज इशू. योर आपको अगर मौका मिले उनसे पूछने का तो आप पूछिए उनसे, बट आई शुड नॉट बी सेइंग कि नहीं नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेरा जो भी ओपिनियन है, शायद मुझे लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज़ बोली है, एंड अगर गलती से अगर उन्होंने बोला तो मे बी ही शुड प्रॉब्ली गिव अ जस्टिफिकेशन, बट आई डोंट थिंक आई एम एंटाइटल्ड टू make a comment and say that he has to apologize. I would hope that he gives a clarification for whatever, because controversy ho gayi hai to uska ek banta hai ki ek jawab dena banta hai, kyunki ye people look up to him, he has got a lot of following and he's like a youth icon and whatever. So if he's made a statement that does not look very appropriate ya kaan ko acha nahi laga hai, to shayad I think in time he will give a statement.